दिल्ली में लॉकडाउन का असर दिखा। कोरोना वायरस जैसे जैसे भारत में अपने पैर पसार रहा है, वैसे ही देश में इसके खिलाफ लड़ाई तेज होती जा रही है। मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ की रिपोर्ट के द्वारा अभी तक देश में 553 के करीब पॉजिटिव केस सामने आए हैं, जबकि 10 लोगों की इस वायरस की वजह से मौत हो गई है। केंद्र और राज्य सरकारों के द्वारा लोगों को अधिक से अधिक घर में रहने का निर्देश दिया गया है और दिल्ली समेत देश के 30 राज्यों को लॉकडाउन कर दिया गया है। इसके अलावा जहां लोग लापरवाही बरत रहे हैं वहां पर कर्फ्यू लगा दिया गया है। जाना था किसी को? निजामुद्दीन है या तो एक बस ये सिर्फ आ रही है, बहुत दूर आगे से आ रही है। और जब आप कहते हैं कि वायरस जो है वो इतनी भरी हुई बस से कैसे चलेगा? कैसे छिटेगी सर, बताओ। आप खुद व्यवस्था नहीं कर पाए। एक आदमी का अगर वायरस होगा, एक भी आदमी को वायरस होगा, तो ये बसें बिल्कुल भर के जा रही हैं। इसमें हर किसी को भी हो सकता है, बताओ। अगर इसमें 2-4 बसें चलती तो आराम से आदमी 1-2 निकल जाते हैं, लेकिन अगर भरी हुई बसें जा रही हैं तो इसमें कौन बच सकता है? कोई भी नहीं बच सकता, किसी को ना किसी को फैलेगा ही फैलेगा। अरे आप कम से कम अगर आदमी को इतना सुविधा देना ही चाह रहे हो तो बसें और गाड़ी तो छोड़ दिया हो ना, कि आप रोज आए जाए। खुद की जिनकी पर्सनल गाड़ी है वो भी नहीं ले जा सकते, उनसे भी सवाल जवाब किया जा रहा है, आप कहाँ जा रहे हो, कौन हो आप, मतलब कौन हो, कहाँ जा रहे हो आप, पूरा बता के डिटेल दे के जाओगे आप अपने जेब में, तभी आपको आगे जाने दिया जाएगा, चाहे वो खाना हो पीना हो या इमरजेंसी में कहीं जाना हो। सही कह सर। अब यहाँ देखो, हम लोग की तो बिल्कुल काम धंधा बंद हो गया है। अब हम लोग क्या काम धंधा करेंगे, नहीं तो खाएंगे क्या, और खाएंगे नहीं तो रहेंगे कहाँ से। हम लोग तो ये सोच रहे थे कि चलो घर निकल जाते हैं, आज पता चला कि ट्रेन और मेट्रो भी सब कुछ बंद है, अब घर कहाँ जाएंगे। लग रहा है भूखे ही मरना पड़ेगा दिल्ली के अंदर। तो पीना ये सारी चीज़ें जो आपको मिलेगी, ये सारी चीज़ें यहाँ कुछ भी नहीं मिल रहा है। आने जाने के लिए देख रहे हो आप बैग लेके, ये सब ट्रेनें बंद कर दी गई, बसें बंद कर दी गई, कहाँ से आए जाए लोग। कहाँ से आए आप? सर मैं तो यहीं पर रहता हूँ एन ब्लॉक में ही। अच्छा। बट सुबह से चाय पीने के लिए घूम रहा हूँ, कहीं चाय की दुकान ही नहीं है। अरे दूध की थैली मिल जाती तो कम से कम खुद तो बना के पी लेते हैं, वो भी नहीं मिल रही है भाऊ जी। गवर्नमेंट कह रही है दूध मिल रहा है, कहाँ मिल रहा है भाऊ जी, यही है आपके सामने ही है सारा कुछ, दुकान ये पीछे है, यहाँ पे कुछ खुला ही नहीं है, सारा कुछ बंद है। सुबह 6 बजे खुली हुई थी सर, सुबह 6 बजे खुली हुई थी जी जी। और कहीं मिल रहा है लेकिन मिल रहा है कहाँ, डेयरी मटर डेयरी पे मिल रही है, लोकल दुकान। आप मटर डेयरी कितनी दूर है आपको पता है? यहाँ काफ़ी दूर है, कि तो हनुमान मंदिर के पास उधर पड़ेगा, कि तो पहाड़गंज पड़ेगा या पुल उस पार पड़ेगा, तो आदमी को इतना दूर जाने के लिए ऑटो या बस तो चाहिए ही चाहिए ना, पैदल थोड़ा ना जाएगा। पानी की बहुत व्यवस्था, बिल्कुल पानी भी नहीं मिल रहा है।